रहीम, वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज आलम बसरा। गाइस, ऑटो कैड में हमारा आज का टॉपिक है मेजर कमांड। ठीक है, मेजर कमांड के साथ हम किसी भी चीज़ की लेंथ, डाया, एंगल वगैरह मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डायमेंशन के साथ हम डायमेंशन लगाते हैं, लेकिन इसके साथ वक्त तौर पे किस चीज़ की ज़रूरत हो, मेजर करना हो या कोई एरिया मेजर करना हो तो मेजर कमांड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, स्केल ड्रा कर लें, कोई रेक्टेंगल ड्रा कर लें। ठीक है, इसके अलावा कोई आर्क ड्रा कर लें। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें ड्रा कर लीं। अगर आप कोई ट्राइंगल भी ड्रा करना चाहते हैं, ट्राइंगल बना लें। वैसे कोई एंगल बनाना है, ठीक है, तो इसका कलर आप चेंज कर लें। स्केप करें। अच्छा, तो इसमें ये देखें, टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर पे ये ऊपर मेजर है, ये देखें यूटिलिटीज के ऊपर ये मेजर है। ये इसमें एरो पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो देखें मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर अलोंग ए पॉलीलाइन। ठीक है, तो ये इसमें किसी भी एक्सेस में आप इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा। चलें इसके यहाँ पे क्लिक करें तो नीचे इसमें मेजर कमांड के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, रेडियस मेजर कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, एरिया कर सकते हैं और वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चलते हैं। जब इस पर क्लिक करें डिस्टेंस पे, तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा कमांड लाइन में स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आप पहला उसका पॉइंट स्पेसिफाई करें, पिक करें और फिर इसके बाद वो पूछता है कि दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस पर क्लिक करें तो ये देखें उसके ऊपर उसने उसका डिस्टेंस भी लिख दिया और ये नीचे यहाँ बॉक्स के अंदर भी लिख दिया। और सिर्फ इसके साथ साथ से ये भी नहीं, ये नीचे देखें कमांड लाइन के ऊपर ये सारी डिटेल वो दे देता है कि डिस्टेंस इतना है, एंगल इतना है। ठीक है, जो जो भी उसका आएगा, और एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में जीरो है, जेड एक्सिस में, यानी अगर 3D भी होगा तो वो सारी डिमेंशन को यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये डिमेंशन कमांड से बहुत ज़्यादा आगे हेल्पफुल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करें। जब आप अगर आप एंटर के साथ इसको आगे चलाएंगे तो ये दोबारा एक्टिव हो जाएगी, अगर आपने खत्म करनी है तो एस्केप करेंगे। ठीक है, ये एस्केप बटन प्रेस करेंगे तब ये एस्केप होगी। चलिए अब आगे चलें, इसका डिस्टेंस देख लें, यहाँ से पॉइंट पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, तो ये देखें इसने इसका डिस्टेंस भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, 0 फिट 5 इंच, यानी ये तकरीबन 6 इंच के करीब है। और इसके साथ साथ उसने यहाँ पे डिस्टेंस नीचे कमांड लाइन के ऊपर लिख दिया और उसी तरह इसमें ये देंगे एंगल उसका उसने बता दिया साथ में 117 डिग्री। ठीक है, 170 डिग्री जो है इसका एंगल भी उसने बता दिया और डेल्टा में उसमें उसने दोनों डायमेंशन एक्स वाई डायमेंशन भी बताई और वाई एक्सेस में और जेड एक्सेस में वो नहीं है,
तो दोनों में उसने मतलब आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। तो इस तरीके से हम इसको कमांड को यूज करते हैं। इसके बाद इसको देख लें, आपने इसकी कुछ साइड में ईयर करनी है। अच्छा इसमें ये देखें, इसको पकड़ा, इसको पिक किया, यहाँ उसने ऊपर भी बता दिया डिस्टेंस कितना है 2.5 इंच, और जहाँ पे भी उसने 2.5 इंच थे बता दिया। और इसके नीचे नीचे ये देखें आप के डिस्टेंस उसने बताया, एंगल भी बताया। एंगल चूंकि ये एक लाइन में है, मतलब एक ही प्लेन में है, तो इसलिए इसमें एंगल कोई भी नहीं है, सारे जीरो हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाता है मेजर। अच्छा इसमें चले जाएं, ठीक है, यहां पे पिक करें, इसको पिक किया आपने, ये पिक किया, ये देखें 11 3/8 इंच, ठीक है, इसका डिस्टेंस निकला है। और ये उसने यहाँ पे भी आपके लेके बता दिया, और इसी तरह यहाँ पे रिजल्ट, ये सारा रिजल्ट इसके अंदर नीचे बता देता है वो। ठीक है, एक्चुअली ये कमांड लाइन के अंदर हमने कमांड लाइन इसको छोटा किया हुआ, अगर आप छोटा करेंगे तो ये सारे बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसके अंदर ये बताता है, ये देखें सारा कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे देता जाएगा। ठीक है, रिजल्ट भी सारा, ठीक है, उसके कौन से एक्सेस पे है, वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस है, एक्स वाई प्लेन है वो। ठीक है, स्केप करें, ठीक है, स्केप करें, दोबारा इस पे जाएं, मेजर, इसका आपने डिस्टेंस मेजर करना है, ये देखें 5 3/8 इंच। ठीक है, दोबारा आपने इसका करना है, इस पर आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है आगे चलें तो ये आ जाता है रेडियस। ठीक है, रेडियस रेडियस आर्क का होगा या सर्कल का होगा, तो सर्कल पे आप जाएं, ये सर्कल है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये देखिए साथ ही उसने उसका रेडियस भी बता दिया और डायमीटर भी बता दिया। ठीक है, रेडियस कितना है और डायमीटर, ये दोनों उसने यहाँ पे आपको बता दिया, और नीचे रिजल्ट पे भी ये देखिए डिटेल के साथ रेडियस और डायमीटर यहाँ पे आपको बता देता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे और जहाँ आगे यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। दोबारा आगे चले, इसका देख रहे, ये आर्क है, आर्क का रेडियस क्या है 3 3/4 इंच। ठीक है, यानी 4.25 इंच, और ये डायमीटर आगे इसने साथ में बता दिया। लेकिन आपने जब भी आप रेडियस पूछेंगे साथ में वो दोनों चीजें आपको बता देंगे, अगर आपको डायमीटर की जरूरत है रेडियस की जरूरत है, दोनों चीजें वो आपको बता देगा। इसके बाद आ जाता है ये आर्क, ये वाली आर्क सेलेक्ट कर लें, ये देखें इसका रेडियस उसने बता दिया, डायमीटर भी बता दिया, और यही चीज आप यहां से डिटेल में बता देता है कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डिस्टेंस में, आप यहां से इसके 2 पॉइंट डिस्टेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आपने जरूरी नहीं कि आप एंड टू एंड डिस्टेंस लें, आप उसके किसी पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे, किसी जगह पे भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें जहां से इसका सेंटर है, हमने इसको पिक कर लिया, तो सेंटर से जहां आ गया है। ठीक है, और अच्छा इसमें ये है कि अगर आपने मल्टीपल डिस्टेंस लेने हैं तो उसमें इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्ज करें आपने कोई लाइन ड्रा की है, इस पे
कुछ पॉइंट पे, ठीक है। इसके कुछ हिस्से हैं, ठीक है, आपने हिस्से किए हुए हैं या कोई ग्रिड है या कोई चीज़ भी है आपने इसको किया होगा, तो आप इन हिस्सों के अलग अलग डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। तो ये देखिए, जाए इस पर मेजर स्पेसिफिक, ये नीचे इसको मैसेज जरूर पढ़ते जाएं और उसी के मुताबिक अमल करें। स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट आप कर लिया। अब वो कह रहा है कि देखें सेकंड पॉइंट दें या मल्टीपल पॉइंट लेने, आपने यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपने एक एक करके करना तो फिर इसमें मल्टीपल पॉइंट का यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके एम लिखें, ठीक है, एम लिखें, और एंटर करें, ठीक है। जब आपने एम लिख के एंटर किया, दोबारा देखें, ठीक है, क्लिक, यहां से साथ में एम लिखें, ठीक है, एंटर किया। आप देखें, आप एक पॉइंट को पकड़ेंगे, फिर दूसरा पकड़ें, देखें उसने जो भी बता दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, उसने सबका डिस्टेंस बता दिया, अलहदा अलहदा भी, और साथ उसने उसको जमा कर दिया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस भी उसने उसका बता दिया कि यहाँ से जहाँ तक इसका टोटल डिस्टेंस जो है, ये देखिए 2 फुट और 1 इंच, ठीक है। तो इसने उसका टोटल डिस्टेंस भी बता दिया और आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट भी उसने बताता जा रहा है। दोबारा चले, ठीक है, स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, मल्टीपल, यहां पे इसको पिक करें, ठीक है, फिर अगले को पिक करें, उसका डिस्टेंस को साथ साथ में बताता जा रहा है, देखें अलहदा अलहदा डिस्टेंस भी बताता जा रहा है और टोटल डिस्टेंस भी बताता जा रहा है। ये देखें अलहदा इसका जो है इतना बना एक एक सेगमेंट का, और सारे का डिस्टेंस वो ऐड करता जा रहा है। इसी तरह आपने ये हमारे पास रेक्टेंगल है या जो कोई बॉल है या कोई चीज है, इसको भी आपने डिस्टेंस मेजर करना है, तो जहां से मेजर करें एक पॉइंट, फिर 2 पॉइंट। अच्छा, लेकिन ये इसमें ये ख्याल रखेंगे जब तक आप ऑप्शन नहीं देंगे तो पहले ऑप्शन पे जाके रुक जाएगा, ठीक है, तो इसलिए दोबारा इसमें सेलेक्ट करें और मल्टीपल का ऑप्शन दें, लिखें हम, आप इसको भी पकड़ें, एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया। ये सबको उसने अलहदा अलहदा भी आपको बता दिया और टोटल डिस्टेंस भी उसने बता दिया कि 2 फुट 3 बाई 8 इंच। तो इस तरीके से हम इसकी मेजरमेंट, हम किसी भी चीज की मेजरमेंट कर सकते हैं। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के आपने मेजर करने हैं डिस्टेंस, ठीक है, इसको पिक करें, ये देखें। अब ये दूसरा उसी वक्त नहीं लेगा, अगर आप मल्टीपल का ऑप्शन देंगे तो फिर ये एक को सिलेक्ट करके फिर मल्टीपल का ऑप्शन दें, हम एंटर करें, आप तीनों की आप मैच ले सकते हैं। ये देखें आपको अलहदा अलहदा मैच भी दे रहा है नीचे, ये देखें ये वाली एक सेगमेंट की भी मैच, ये मेजरमेंट और सारे की वो जमा करके आपको बताता जा रहा है साथ साथ में। ये देखें जहाँ भी आपने ये तीनों की उसने जमा करके आपको दे दिया, ठीक है, कि तीनों का डिस्टेंस इतना है। तो इस तरीके से हम इसका एंगल मेजर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडियस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें डिस्टेंस में हमने मल्टीपल पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करना सीखा, और एक एक करके यानी पूरे सेगमेंट का इकट्ठा भी हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, और स्टेप बाय स्टेप में उसके पार्ट्स भी अगर ऐड करेंगे तो सबको वो मेजर करके आपको बता देगा। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।
अल्लाह हाफिज़।